मसरूफियत को और अपने काम काज को छोड़कर अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इंतकाली जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ ताकि आपसे गुजारिश कर सकूँ कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब इंतखाब अंसारी के हक में दें, जिनका ईवीएम में उनका नंबर छठा नंबर है और जहां पर आपको पतंग का निशान दिखेगा आप वहां पर अपना बटन दबाकर अपने इतिहास का और अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि पिछले 5 साल से झारखंड रियासत में बीजेपी की सरकार रही है और 5 साल में बीजेपी ने झारखंड का कोई विकास नहीं किया और अफसोस ये भी है कि जहां पर बीजेपी ने झारखंड का कोई विकास नहीं किया झारखंड में एक मजबूत अपोजिशन का भी रोल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से अदा नहीं कर पाए। इसी वजह से आप देखते हैं कि करप्शन के इतने बड़े बड़े वाकयात झारखंड में होते हैं इसका कोई जिक्र नहीं करता। आज से चंद महीने पहले जब रांची की सरजमीन पर मजलिस का जलसा हुआ तो वहां पर मैंने कोनार डैम के उस करप्शन का जिक्र किया जिसका जिक्र करने से झारखंड मुक्ति मोर्चा के और दीगर सियासी पार्टी के कायदीन डरते थे। आप अंदाजा लगाइए कि 2200 करोड़ का खर्चा किया गया और कोनार डैम में रघुवर दास की मिनिस्टर ने उसका इफ्तिताह किया और इफ्तिताह करने के चंद घंटों के बाद वो कोनार डैम में मालूम हुआ कि उसमें खराबी है, उसमें गिराव, उसमें नुकसान हो गया। पता चला कि चूहों ने उस डैम को कमजोर करके रख दिया। आप अंदाजा लगाइए कि 2200 करोड़ का खर्चा किया गया और मुख्यमंत्री के चंद घंटों इफ्तिताह के चंद घंटों के बाद उस डैम में तमाम चीजें मालूम होती है। कोनार डैम का घोटाला हुआ तो उसके बाद आपकी रियासत झारखंड में कंबल का घोटाला हुआ। सर्दी का मौसम है, झारखंड में कंबल का घोटाला हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया मेरे भाई कि एक दिन में रांची से पानीपत 4000 किलोमीटर का सफर किया गया। आप बताइए, मैं रघुवर दास से पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपके पास ऐसी कौन सी गाड़ी है, ऐसी कौन सी गाड़ी है जो एक दिन में 4000 किलोमीटर का सफर करती है। मालूम हुआ कि 4000 किलोमीटर का सफर को दिखाने के लिए किया गया मगर कंबल का घोटाला हुआ तो हो रुपये अपने कंबल गरीबों को क्या था वो नहीं मालूम। बीजेपी के कौन से लीडर आज हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं इनका मैनिफेस्टो पढ़िए। मैनिफेस्टो में कहीं जिक्र नहीं आता अपनियतों का, खासतौर से मुसलमानों का। आज हर तबके को, हर बिरादरी को हिंदुस्तान के संविधान की 10, 15 और 16 के तहत रिजर्वेशन मिलता है और उस रिजर्वेशन की बुनियाद पर हमको तालीम में मौके मिलती है, गवर्नमेंट की मुलाजमतों में मौका मिलता है। आखिर क्यों नहीं झारखंड के उन मुसलमानों की जात और बिरादरियों को रिजर्वेशन दिया जाता जो पसमानदा है तालीमी तौर पर, सामाजिक तौर पर। मैं मजहब के नाम पर आरक्षण का मुताबिदा नहीं कर रहा हूँ। मैं संविधान में जिस चीज की बात रखी गई जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था 15 और 16 के तहत क्यों उसका जिक्र नहीं किया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहती है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, जो जमीन आपसे वादा करती है कि झारखंड में इंशाअल्लाह अगर हमारे एमएलए कामयाब होंगे तो
झारखंड की असेंबली में हमारे विधायक जाकर इस बात का मुतालबा करेंगे कि झारखंड की सरजमीन पर बसने वाले 14% मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए जो सामाजिक तौर और तालीमी तौर पर सबसे पीछे हो चुके हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये काम इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असेंबली मुंतखब होने के बाद आने वाले असेंबली में जाकर इस बात का मुतालबा करेंगे। दूसरी है बात जिसकी मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, वो ये है कि हर पार्टी मजलिस पर इल्जाम लगाती है ये मजलिस कौम दुश्मन पार्टी है, एंटी नेशनल है, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी का भी टीम है। मैं इनको बताना चाहूंगा हेमंत सोरेन को कि उन्होंने कहीं